आज हम लोग क्लास 11 पाठ समुच्च की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में है, देखिए इसमें लिखा ए में है यक्ष इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाएगा। बी में लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक सम प्राकृतिक संख्या है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार ये जाएगा। सी में है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये हो गया। और डी में है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इस प्रकार ये जाएगा। ठीक ना, प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। यह है सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार है ये। विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार होगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो इस प्रकार हमने ये चारों समुच्चय के अवयव ज्ञात कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है, इसमें देखिए पहला भाग है ए सर्वनिष्ठ बी का। तो ए सर्वनिष्ठ बी का है, तो देखिए ए सर्वनिष्ठ ये रहा ए का समुच्चय, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सर्वनिष्ठ। और बी है, तो बी है क्या 2, 4, 6, 8। हम इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, इसका मतलब इन दोनों में जो जो उभयनिष्ठ अवयव हैं इनको हम यहाँ लिखेंगे। तो इनमें देखिए ये 2, 4, 6, 8 ये हमको इन दोनों मिलेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, 4 है, इस प्रकार आगे यहाँ 6 और ये 6 मिलेगा। तो हमको इसका सर्वनिष्ठ क्या प्राप्त हुआ, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार हमको ये प्राप्त हुआ। और ये क्या है, ये है समुच्चय बी लिखा हुआ है, तो ये समुच्चय बी है। ये इसमें दूसरा भाग है ए सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है हमको। तो ए क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखा हुआ है और इसका सर्वनिष्ठ सी के साथ, तो सी क्या है, सी विषम संख्याओं का समुच्चय है 1, 3, 5, 7, 9। और इनका उभयनिष्ठ क्या प्राप्त होगा हमको, इसमें देखिए 1 है, 3 है, 5 है, मतलब हमको ये समुच्चय प्राप्त हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ये हमको विषम संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। तो विषम संख्या मतलब सी हमको प्राप्त हो जाएगा। थर्ड में है ए सर्वनिष्ठ डी है, तो ए सर्वनिष्ठ डी ज्ञात करते हैं। ए के सारे अवयव समुच्चय लिख लेते हैं यहाँ पर, ये लिख लिया। और सर्वनिष्ठ डी, तो डी क्या है 2, 3, 5, 7 ये हो गया। तो इसमें हमको सर्वनिष्ठ क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 है तो 2 है, 3 है 3, ठीक ना, 5 है, तो मतलब ये हमको समुच्चय प्राप्त हो जाएगा 2, 3, 5, 7, मतलब हमको अभाज्य संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये हमको डी प्राप्त हो गया। चौथा भाग में है बी सर्वनिष्ठ सी, तो बी क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8 और सर्वनिष्ठ सी, सी में क्या है 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए इसमें सम संख्याओं का समुच्चय है, वो विषम संख्याओं का समुच्चय है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है अभी, तो इसका हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। अब पांचवा भाग देखते हैं इसका, पांचवा में है बी सर्वनिष्ठ डी ज्ञात करना है हमें। तो बी में है 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्याओं का समुच्चय सर्वनिष्ठ 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, इनमें उभयनिष्ठ क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, ये 2 है,
इसके बाद यहाँ पर 4, 6, 8, 10 मतलब ये सम संख्या है, और इसके बाद ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होने के कारण पहला ही एक सम संख्या प्राप्त होती है, बाकी इसके बाद कहीं भी आपको सम संख्या प्राप्त नहीं होगी। मतलब इन दोनों का सबनिष्ट में इसमें बस 2 के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, तो बी सबनिष्ट डी हमको बी ये प्राप्त हुआ। इसके बाद अंतिम भाग है इसमें सी सबनिष्ट डी, सी सबनिष्ट डी, तो सी के अवयव क्या है 1, 3, 5, 7, 9 और डी क्या 2, 3, 5, 7 इस प्रकार है ये। तो इनके उभयनिष्ठ अवयव क्या हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, 2 है, 2 भी नहीं है, 3 से है 3, 5, 7, फिर इसके बाद ये 9 है। इनका उभयनिष्ठ क्या प्राप्त हुआ देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा के लिख लेते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। देखिए यहाँ 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब अभाज्य संख्या है, इनका सबनिष्ठ लेने में थोड़ा आसानी होगी। 9, 11, 13 इस प्रकार हमने लिख लिया, ठीक ना, कुछ अवयव हमने ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए इनके सबनिष्ठ क्या हैं, यहाँ 1 है मगर 1 नहीं है, 2 है यहाँ नहीं है मगर यहाँ 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको नहीं लेंगे। ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 7 है, 7 है, यहाँ लिख लिया 5, 7, ठीक ना, इन दोनों को लिख लिया। इसके बाद फिर हमको 11 मिल रहा है, 11, फिर ये 13, ये 13 है, तो ये 11, 13 ये इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। तो देखिए ये अभाज्य संख्या का ही समुच्चय मिल रहा है, मगर इसमें एक अभाज्य संख्या 2 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक विषम अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार इनके समुच्चय निर्माण रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं और ये सारणीबद्ध रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब होता है ऐसे समुच्चय जिनके कोई भी उभयनिष्ठ अवयव न प्राप्त हों। तो इनको देखते हैं, पहले वाला एक अवयव है, इस पहला वाला समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 हैं, और एक दूसरा अवयव है इसमें समुच्चय है जिसमें लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, और देखिए ये दिया हुआ है कंडीशन, यक्ष बराबर है 4 से और छोटा है बराबर है 6 के, तो इसमें हमको क्या अवयव प्राप्त होगा। देखिए यक्ष है बराबर भी है 4 के, मतलब हम 4 को भी शामिल करेंगे और 6 को भी शामिल करेंगे, यक्ष बड़ा है बराबर है 4 से, छोटा है बराबर है 6 के, तो ये हमको मिला 4, 5, 6। अब इनका हम सर्वनिष्ठ ज्ञात कर लेते हैं, तो इनका सर्वनिष्ठ देखिए क्या प्राप्त हुआ, इनमें जो उभयनिष्ठ कोई बिंदु है, उभयनिष्ठ अवयव है 4, यहाँ भी 4 है, तो इसका हमको सर्वनिष्ठ ये 4 प्राप्त हुआ। चूंकि अवयव 4 समुच्चय दोनों समुच्चयों में है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इनका अगर सबनिष्ठ ज्ञात करें तो एक उभयनिष्ठ मिल रहा है ना, इनमें 4-4 मिल रहा है, तो ऐसे समुच्चय जिनका अगर कोई उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त हो रहा है तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होता है, इनका कोई भी उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त नहीं होना चाहिए। दूसरा भाग देखते हैं, इसमें देखिए पहला समुच्चय है, इसको हम ए मान लेते हैं, ए बराबर इसमें सीधे ए ई आई ओ यू दिया है, हम इसको मान लिए कि एक समुच्चय है ए, इनके अवयव ए ई आई ओ यू है, और यहाँ बी दिया है सी डी ई
एफ। तो हम इनका एक सर्वनिष्ठ पहले ज्ञात कर लेते हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब अगर इसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव है या नहीं। तो यहाँ ए है, वहाँ ए नहीं है, ई है, वहाँ ई है, और आई है, वहाँ नहीं है, ओ यू। तो इस प्रकार इनका एक उभयनिष्ठ भी प्राप्त हो गया अवयव। तो इसलिए अतः चूंकि, चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि अवयव ई समुच्चय ए एवं बी दोनों में है, दोनों में है, अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। देखिए इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे में है, पहले समुच्चय में लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार हमने लिख लिया। और दूसरा समुच्चय है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक विषम पूर्णांक है। तो विषम संख लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करें तो ये सम संख्याओं का समुच्चय है और ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। इनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं, समुच्चय हैं। इस प्रकार ये हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 8 के तीनों भाग हो गए, अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें समुच्चय ए में है, अवयव हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और समुच्चय बी में है 4, 8, 12, 16, 20। सी में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी समुच्चय में है 5, 10, 15, 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला भाग में इसमें है, इसमें ए माइनस बी ज्ञात करना है। ए माइनस बी का मतलब होता है ऐसे वो अवयव जो ए में हैं मगर बी में नहीं हैं। तो इनको लिख लेंगे, पहले ए के अवयव लिख लेते हैं यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी में है 4, 8, 12, 16, 20। तो हम इसमें लिखते हैं वे अवयव जो ए में हैं मगर बी में न हो। तो ए इसमें देखिए 3 ए में है मगर बी में नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा 6 ए में है मगर बी में नहीं है, तो 6 लिख लिया। 9 ए में इसमें है, 12 उसमें भी है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, 15 इसमें है मगर उसमें नहीं है तो 15 लिख लिया, 18 लिख लिया और 21 लिख लिया, क्योंकि ये 21 इसमें है मगर उसमें नहीं है। ये हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं इसका, a माइनस c का मतलब a में होने चाहिए मगर b c में नहीं हो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस c में है 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 और 16। तो इसको देखेंगे, तीन इसमें है वहाँ नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे। 6 है उसमें 6 है, 9 उसमें नहीं है 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। 12 वहाँ भी 12 है, नहीं लिखेंगे। 15 यहाँ है मगर वहाँ नहीं है, तो 15। 18 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 18 लिख लिया। 21 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 21 यहाँ लिख लिया। तीसरा भाग है a माइनस डी ज्ञात करना है, तो a के अवयव लिख लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 और इसमें d लिख लेते हैं, तो यह है 5 10 15 20। तो इसमें है 3 इसमें है उसमें नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे। 6 यहाँ है मगर वहाँ नहीं है, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। 9 लिखेंगे। 12 यहाँ है उसमें नहीं है 12। 15 है वहाँ भी है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 18 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। इसका चौथा भाग देखते हैं, तो चौथे में है b माइनस a। तो पहले हम b को लिख लेते हैं, इसमें लिखा है b के अवयव 4 8 12 16 20 माइनस a, a के अवयव लिख लेंगे 3 6 9 12 15 18 और 21। इसमें लिखेंगे 4 यहाँ है 4 वहाँ नहीं है, इसलिए हम 4 लिखेंगे। 8 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 8 12 12 है इसलिए नहीं लिखेंगे। 16 वहाँ नहीं है, तो 16 लिखेंगे। 20 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 20 लिख लेंगे। इस प्रकार पांचवा भाग देखते हैं, पांचवा में है c माइनस a। c माइनस a, तो c क्या है, यह है 2 4 6 8 10 12 14 16 और a है 3 6 9 12 15 18 21। यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ 2 है वहाँ नहीं है, 4 है वहाँ नहीं है, तो ये 2 यहाँ है वहाँ नहीं है, इसलिए लिख लेंगे इसको। 4 भी लिख लेंगे। 6 है वहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। 8 यहीं पर है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 10 वहाँ नहीं है, इसलिए लिखेंगे। 12 है वहाँ, नहीं लिखेंगे। 14 वहाँ नहीं है, तो 14 लिख लिया। और ये 16 है मगर वहाँ नहीं है, तो 16 हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इसका छठवां भाग करेंगे। इसका छठवां भाग है d माइनस a। d माइनस a, तो d के अवयव हैं 5 10 15 20 और a के अवयव हैं 3 6 9 12 15 18 21। तो इसमें देखेंगे, देखिए 5 है वहाँ नहीं है, तो 5 लिखेंगे। 10 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 10 लिखेंगे। 15 यहाँ भी है वहाँ भी है, तो नहीं लिखेंगे। 20 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 20 लिखेंगे। सातवां भाग देखते हैं इसका। सातवां में है b माइनस c। b माइनस c, तो b के अवयव 4 8 12 16 20 माइनस c है 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इसको माइनस करेंगे, देखिए 4 है वहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ भी नहीं लिखेंगे। 12 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। 16 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे। केवल 20 हमको प्राप्त होगा। आठवां भाग देखते हैं, ये है इसमें b माइनस d। तो b क्या है इसमें, 4 8 12 16 20 माइनस d क्या है इसमें, 5 10 15 20। तो इसमें देखेंगे 4 यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 4 लिखेंगे। 8 यहाँ भी हैं वहाँ नहीं है। 12 यहाँ ही भर है। 16 और 20 है वहाँ, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद नौवां भाग देखेंगे, c माइनस b। तो c क्या है इसमें, ये है 2 4 6 8 10 12 14
16 माइनस बी है 4 8 12 16 20, तो इसे मिला लेते हैं, 2 है 4 है दोनों में नहीं लिखेंगे, 6 8 यहाँ भी है वहाँ भी है, 10 यहाँ है वहाँ नहीं है, 12 14 और 16 इस प्रकार हो गया। ये दसवां भाग देखते हैं इसका, ये है इसमें डी माइनस बी, तो डी क्या है इसमें 5 10 15 20 और बी क्या है 4 8 12 16 20। देखते हैं इसमें 5 यहाँ है वहाँ नहीं है 5 लिखेंगे, 10 है वहाँ नहीं है 10 लिख लेंगे, 15 नहीं है और 20 है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार दसवां भाग हो गया। ग्यारहवां भाग देखते हैं, अब देखिए अब ग्यारहवां भाग देखेंगे इसका, ग्यारहवां में है C माइनस डी, तो C के अवयव हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 और D के हैं 5 10 15 20, तो इसमें लिखेंगे हम C के वो अवयव लिखेंगे जो D में ना हो। यहाँ 2 हैं वहाँ 4 2 नहीं हैं 4 हैं 6 8 10 है यहाँ भी वहाँ भी नहीं लिखेंगे, 12 यहाँ है वहाँ नहीं है, 14 और 16। इस प्रकार एक अंतिम भाग है इसका बारहवां, D माइनस सी, तो D माइनस सी है 5 10 15 20 और C है 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इस प्रकार यहाँ 5 है वहाँ नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 10 है वहाँ भी है, 15 है यहाँ नहीं है और ये 20 हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है, इसमें लिखा है यदि x बराबर a b c d और y है F B D G, तो हमको निकालना है, पहला में है X माइनस वाई, तो X के अवयव लिख लेते हैं A B C D माइनस F B D G। तो देखिए इसमें लिखेंगे X, वे अवयव जो X में है मगर Y में नहीं है, तो यहाँ A है यहाँ A नहीं है तो लिख लेंगे, B है यहाँ भी B है नहीं लिखेंगे, C लिख लेंगे और D है यहाँ भी है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार x माइनस वाई प्राप्त हो गया। इसके बाद है y माइनस x, तो इसमें y का व्यू पहले लिख लेंगे f p d g माइनस a b c d, तो यहाँ f है वहाँ नहीं है तो f लिख लेंगे, B है यहाँ भी B है, D है यहाँ भी D है, G है वहाँ नहीं है तो यहाँ G लिख लेंगे। इसका तीसरा भाग है X सर्वनिष्ठ Y, तो इसमें लिखेंगे X के क्या है A B C D सर्वनिष्ठ F B D G, ठीक ना। इनमें सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ उभय अवयव हों उनको लिखेंगे हम, तो यहाँ ए है यहाँ नहीं है, बी है वहाँ है तो बी लिख लेंगे, सी है यहाँ नहीं है, डी है वहाँ है, तो इसलिए इस प्रकार बी और डी प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो R माइनस क्यू क्या होगा। तो देखिए R क्या दिया हुआ है, R है वास्तविक संख्याओं का समुच्च, तो इसको हम समुच्च निर्माण रूप में लिख लेते हैं। X इस प्रकार है कि X एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है और इसमें Q क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्च है, तो Q को लिख लेते हैं
यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमको क्या निकालना है, R माइनस क्यू। तो देखिए R माइनस क्यू क्या होता है, इसमें लिखेंगे वे अवयव जो R में है मगर Q में न हो। तो देखिए वास्तविक संख्या में कौन कौन से अवयव होते हैं, देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं का ये समुच्चय होता है, ठीक ना, ये सम्मिलित रूप में है वास्तविक संख्या। तो इसके अंतर्गत और इसके अंदर देखिए परिमेय संख्या है, तो हमको वे अवयव जो इसमें है मगर यहाँ ये वाली ये अवयव जो ए में है मगर इसमें न हो, ठीक ना। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार R माइनस क्यू हमको प्राप्त हो गया।